हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी चैनल। तो आज इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ फेडरलिज्म। और साथ ही इस चैप्टर में जो भी सारे बीच में से ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो वो भी करेंगे। तो एमसीक्यूज भी करेंगे और चैप्टर एनालिसिस भी करेंगे, चैप्टर के कंसेप्ट को भी करेंगे। तो ये वीडियो आपका, अब मैं शुरू कर रही हूँ आपका ये चैप्टर फेडरलिज्म। नाउ आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हमने क्या किया है, पावर को वर्टिकल फॉर्म्स में शेयर कर रहा है। यानी कि हमने क्या किया है, पावर को वर्टिकली यानी लेवल्स में, डिफरेंट टीयर्स में या डिफरेंट लेवल्स में पावर को हमने बांट दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो फेडरलिज्म है, यानी कि जो हमने पावर को बांटा है, ये आप इसके बारे में पावर शेयरिंग चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। यू नो अबाउट पावर शेयरिंग एंड ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने मतलब यू नो अबाउट फेडरलिज्म, ये आपने चैप्टर वन में भी पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम इस पूरे फेडरलिज्म के बारे में ही देखेंगे, और कोई दूसरा टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से आपका फेडरलिज्म का एक डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, फेडरलिज्म का इट इज़ अ डिटेल्ड एनालिसिस। चलो तो शुरू करें चैप्टर को। ना सबसे पहली बात जो आपकी बुक में बोली गई है, आप अपनी सब बुक निकाल लीजिए, जो भी नोट्स में लिखवाती जाऊँगी या लिखते जाएंगे। सो वॉट इज फेडरलिज्म, टॉपिक नंबर वन डालते हैं, वॉट इज फेडरलिज्म, वॉट इज फेडरलिज्म। इसको समझने के लिए यू नीड टू नो अबाउट श्रीलंका एंड बेल्जियम। आपको पता है कि बेल्जियम इज अ फेडरल कंट्री, यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट श्रीलंका, यहाँ पे हम यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। दैट मींस यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये दो तरह की गवर्नमेंट हैं, और ये दोनों तरह की गवर्नमेंट ऑल्दो हैं डेमोक्रेटिक ही, लेकिन ये डिफरेंट तरह से वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। हम सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम के बारे में। तो आप रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा था अबाउट द बेल्जियम, आपने उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, और आपने वहाँ पे ये देखा था कि सेंट्रल पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कुछ पावर्स, इसकी कुछ पावर्स थी, वो किसको दे दी गई थी, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी ऑफ बेल्जियम। लेकिन Before 1993, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल पावर, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को विड्रॉ कर सकती है, ले सकती है। आफ्टर 1993, वहाँ पे 1993 के समय पर एक लॉ निकाला गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन एक लॉ बोला गया, एक लॉ लिखा गया कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगी, उन्होंने सारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बताई पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, और फिर कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं ले सकता, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होंगी वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होंगी, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा अधिकार रखेगा उन पावर्स पे, कौन सी पावर्स पे, जो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, ये कब हुआ, 1993 में हुआ। तो 1993 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स नहीं ले सकती थी। ठीक है,
बेल्जियम क्या हुआ, पहले इट वॉज अ यूनिटरी फेडरल यूनिटरी गवर्नमेंट, देन इट शिफ्टेड टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कब देखो, बेल्जियम जो था पहले वो एक बिफोर 1993 इट वॉज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट आफ्टर 1993 या 1993 के बाद से वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया. अब यहाँ पे बात आती है कि यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जहाँ पर केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करता है. ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जिस्टेड. अगर इफ अदर लेवल्स एग्जिस्ट, अगर ज़्यादा लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक से ज़्यादा लेवल्स भी होते हैं, मान लो सेंट्रल लेवल तो होगा ही होगा, स्टेट लेवल भी होता है, सो दे आर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट्स रहेंगे सारे के सारे. अगर देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि केवल एक ही फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट. लेकिन मान लो और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर वो सभी क्या होती हैं, सबॉर्डिनेट होती हैं, यानी कि अंडर में होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. जैसे बेल्जियम में बिफोर 1993 सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स ले सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं थी. वैसा ही होता है बिल्कुल यूनिटरी गवर्नमेंट में, कि जो सारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो सबॉर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की उन पावर्स को ले सकती है. दैट्स इट, अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे देखते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट तो आप ये डालोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट्स है स्टेट गवर्नमेंट. एक पॉइंट आप डालोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है प्रोविंशियल, दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, और इफ़ एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट की आपकी सारी पावर्स ले ली जाएंगी, या फिर आपने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो आपने निर्णय लिया, आप इसको बदलें, जो हम कह रहे हैं वो करें. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती थी किसको, स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को भी. तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती थी वही होता था, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता था. ठीक है, नाउ बट इन फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं हो सकता. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आप उसको ले लें फिर से, है ना, आप उसको फिर से बोरो कर लें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन चाह रही है वही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. किसमें? फेडरलिज्म में. ठीक है, अब इसके साथ ही हम देखते हैं डिफरेंट फीचर्स. आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल है, राइट? यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. क्या है फेडरलिज्म के फीचर्स? तो फेडरलिज्म में देखो, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ पे मैं पॉइंट वन डालूंगी कि वन या मोर देन वन, देखो वन से ज़्यादा, सो टू या मोर देन टू, है ना, दो या फिर दो से ज़्यादा, या आप कह लो वन से ज़्यादा, चाहे वो दो हों या वो तीन हों, इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं. सो बेसिकली टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं. इंडिया में वी हैव थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल लेवल गवर्नमेंट है. ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये हम सभी सेम सिटीजन्स को क्या करते हैं, रूल करते हैं. चाहे पीएम मोदी हो, यहाँ पे मैं पीएम लिख रही हूँ, चाहे वो सीएम हो, सभी किसको रूल कर रहे हैं, दे आर रूलिंग द इंडियंस, ये इंडियंस को रूल कर रहे हैं, है ना, ये इंडियंस को रूल कर रहे हैं. लेकिन पीएम के और सीएम के सबके ज्यूरिस्डिक्शंस अलग अलग हैं, यानी कि ये इंडियंस को रूल कर रहे हैं लेकिन कौन कौन से एरियाज़ में ये इंडियंस को रूल कर रहे हैं ये चीज़ अलग है. पीएम का जो ज्यूरिस्डिक्शन है दैट इज़ द होल कंट्री. पीएम जो है वो होल कंट्री, पूरी कंट्री का लुक आफ्टर करता है.
सीएम क्या करते हैं, दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर, वो अपनी स्टेट्स का, अपनी स्टेट्स का लुक आफ्टर करते हैं। बट कंट्री हो या स्टेट हो, वहाँ पे रहने वाला तो इंडियन ही है ना। तो बेसिकली वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज या वो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ जो PMCM यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हैं, जो भी लीगल अथॉरिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, लीगल अथॉरिटीज़ यानी कि कहाँ पे आप अपना पावर को एक्सरसाइज करोगे, किस जगह पे आप पावर को एक्सरसाइज करोगे। अगर मान लो कि मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं सभी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। या फिर मान लो कि मैं अपने ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर हूँ, दैट इज़ फ्रॉम नाइन टू टेंथ मेरे अंडर में है, तो क्या ऐसा है कि मैं एट्थ को भी जा कर के टीच कर सकती हूँ, एट्थ पे भी कंट्रोल कर सकती हूँ, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स उन पे कंट्रोल करेंगे। यू नो ना, स्कूल में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, मिडिल ब्लॉक, देन सेकेंडरी ब्लॉक, हायर सेकेंडरी ब्लॉक। तो वैसे अगर मान लो मैं मिडिल ब्लॉक की क्या हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं मिडिल ब्लॉक का ही लुक आफ्टर करूँगी, मैं सीनियर में या जूनियर में जा कर के नहीं उन पे अपना अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती। तो मेरे को भी लीगल अथॉरिटीज़ दी गई हैं, यानी मुझे कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज दी गए हैं, उन क्राइटेरियाज के इर्द गिर्द ही मेरा रूल चलेगा, उनसे बाहर निकल के मैं रूल नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ये लीगल अथॉरिटीज़, ये जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं जो दी गई हैं, इन लीगल अथॉरिटीज़ को हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो पहला पॉइंट देखा हमने कि पहला पॉइंट था कि देयर विल बी टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा हमने पॉइंट देखा कि जो सभी हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो इंडियंस को रूल करेंगी, सेम सिटीजन्स को रूल करेंगी, लेकिन इनके कुछ डिफरेंट लीगल अथॉरिटीज़ होंगी जो सेट हो रखी होंगी, यानी कि जिन एरियाज़ में इनको रूल करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सी स्टेट में रूल करना है वो उसका ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन का एरिया कुछ और होगा। तो ज्यूरिसडिक्शन एरिया यानी कि जो भी आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज के बेसिस पे है, ठीक है। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि जो लीगल अथॉरिटीज़ इन्हें मिली हुई है कि हमारे पास इस डिसीजन को लेने की पावर है ना, हमको इस डिसीजन को लेने की पावर है या हमको इस डिसीजन के लेने की पावर नहीं है, तो ज्यूरिसडिक्शन जो सेट कर रखे हैं ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सारे ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो कहाँ पर स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं। तो जो एग्जिस्टेंस है या जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट की, कि ये गवर्नमेंट का टायर यानी कि जो लेवल है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करेगी, स्टेट लेवल भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, और हमने लोकल लेवल भी बना रखी है तो वो भी एग्जिस्ट करेगी। उसे कोई मनमानी चाहे डाइल्यूट नहीं कर सकता, उसे डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आज कोई राजा आया, आज कोई रूलर आया, कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है हट जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट विल एग्जिस्ट एंड इलेक्शन से ये बनाई जाएंगी, तो फिर वो वैसे ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड चीज़ें हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी यानी कि जो लीगल अथॉरिटीज़ इनको दी गई हैं, जो इनके ज्यूरिसडिक्शंस हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट इन इन चीज़ों पर डिसीजन लेने की पावर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन चीज़ों पर डिसीजन लेने की पावर रखती है ना, तो वो सब क्या है, वो हमारी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ज्यूरिसडिक्शंस हैं, और ये भी हमारे गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं। जो हाइएस्ट कोर्ट होती है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्ट एज एन अम्पायर, अम्पायर यानी कि लुक आफ्टर करेगी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो प्रॉपर वे में तो कर रही है ना, कहीं कोई चीटिंग या किसी तरह की घपलेबाजी तो नहीं कर रही है ना। सो वो चीज़ कौन लुक आफ्टर करता है, अम्पायर लुक आफ्टर करती है। और अगर डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन जो
ये हमारी क्या कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ये डिसीजन ले सकती है कि आगे क्या करना है। मान लो कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में लड़ाई हो गई, या कोई स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, तो गलत कौन है? ये जजमेंट देने का जो राइट है वो केवल और केवल हमारे पास कोर्ट का है, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन हाई कोर्ट भी है। ठीक है ना? अब देखो, आपको मान लो मम्मी ने कहा कि बेटा आज तू जाओ और आज खूब मस्ती करके आ दिन भर में, लेकिन ना तेरे को फ़ोन दूंगी ना तेरे को पैसे दूंगी। तो आप बाहर गए, अब आप बाहर जाके ना कहीं लंच कर सकते हो, ना कहीं आप अपने फ्रेंड के घर जा सकते हो, बिकॉज़ आपके पास फ़ोन तो है ही नहीं कि आप उसे इन्फॉर्म कर दूँ मैं घर पे आ रहा हूँ तेरे। पैसे हैं नहीं आपके पास कि आप अपने लिए कुछ खाने पीने का ख़रीद लो। सो इन दैट केस आपको इंडिपेंडेंस तो दे दिए, लेकिन आपको इंडिपेंडेंस देने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एंड द बिगेस्ट रिसोर्सेज मनी टू रन अ कंट्री। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के पास अपना अपना पैसा होगा। वो जो पैसा है जो वो टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं, वही टैक्स जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करते हैं। अब ये जो टैक्स है वो अपने बंगलोज खड़े करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, फॉर आर गुड, हमारे लिए यूज़ करते हैं कि अच्छे स्कूल्स बन पाए स्टेट्स में। जो स्टेट्स आगे निकल जाती है वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर होती है, और जो स्टेट्स पीछे रह जाती है वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशंस पुअर होती हैं। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा ही आएगा, देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो आता ही है, लेकिन कोई स्टेट भी पीछे ना रह जाए, दैट इज़ वाई हमने स्टेट पर भी टैक्सेस लगाए हैं, यानी स्टेट में भी टैक्सेस लगाए जाते हैं लोगों पे। मान लो कोई स्टेट है ए, तो ए में रहने वाले हर सिटीजन को टैक्स भरना होगा, और ये जो टैक्स है ये एक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और कुछ टैक्स जो है जो आप भर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, SGT और CGT। SGT यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, और CGT दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास जाना चाहिए बराबर रूप से, तभी जो है फिनेंशियल ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर पाएंगी स्टेट्स, यानी बार बार स्टेट्स को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कि हमें पैसा दे दो हमें पैसा दे दो, वो अपने आप फंक्शन कर पाएंगी अपने स्टेट के लिए। ठीक है? एंड सेवेंथ पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सेवेंथ पॉइंट देखो, आपको स्क्रीन तो दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा हो। यस, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो गया हमारा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का अब हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट इज़ द नाउ नो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नाउ सेवेंथ पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है? सेवेंथ पॉइंट कहता है कि देखो, उसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में करते हैं। जो फेडरल सिस्टम है इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। पहला पॉइंट, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देखो, सेफगार्ड एंड प्रमोट, सेफगार्ड यानी कि बचाना, प्रमोट यानी कि बढ़ाना यूनिटी ऑफ द कंट्री को,
देखो हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। अब अगर हमारे कंट्री में हमारे कंट्री में इस यूनिटी को, इस डाइवर्सिटी को यूनाइट नहीं किया जाएगा, इतनी अनेकता है, इन सबको एकत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना करके एकत्र नहीं किया जाएगा, तो सेफगार्ड एंड प्रमोट नहीं हो पाएगी यूनिटी हमारी कंट्री की। तो एक तरफ तो हमने क्या किया, हमने इस देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट देश के लिए, पूरे देश के लिए निर्णय लेगी। वहीं दूसरी तरफ हमने क्या किया, रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना चाहा। दैट मीन्स हमने एक तरफ तो यूनिटी करी कंट्री की, पूरी कंट्री की। अब हमने फिर डीपली जाके देखा तो हमने देखा स्टेट्स भी हैं, और ये जो स्टेट्स हैं, कई ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत डाइवर्स हैं। तो हमने क्या किया, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाई, हमने फेडरलिज्म किया, हमने एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया। एक लेवल ने पूरी कंट्री की यूनिटी संभाली और एक लेवल ने रीजन्स में जा जा कर, यानी स्टेट्स में जा जा कर ही अकोमोडेट किया, यानी यूनाइट किया वहाँ की डाइवर्सिटी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेफगार्ड किया एंड प्रमोट किया यूनिटी ऑफ द कंट्री, वेयर एज जो राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश है, इनकी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, इनके जो अनेकताएं हैं उनको इकट्ठा करके लेके चलने के, इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के, इनके कल्चर की रक्षा करने के लिए हमने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बना दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री का लुक आफ्टर किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, हर 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 किसी रीजन में, स्टेट में ये देखा कि क्या वहाँ की जो डाइवर्सिटी उसको अकोमोडेट किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट ने वो काम किया, अकोमोडेट किया रीजनल डाइवर्सिटी को। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में बदलाव आते हैं। अब वो हर 10 किलोमीटर के बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख सकती, तो उन बदलावों को देखने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो थोड़ा डीप होकर के इन मैटर्स को देख सके, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये थे इसके डुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करेंगे, ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, किसके लिए, हमारे फेडरलिज्म के प्रैक्टिस के लिए। जो भी गवर्नमेंट होती है डिफरेंट लेवल में, वो क्या करती हैं, वो पावर शेयरिंग को मानती हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कभी नहीं कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे तुम अपनी पावर्स दो, या कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं करती है कि स्टेट गवर्नमेंट, कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो किसी भी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, तो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे नहीं झगड़ते कि हमको स्टेट गवर्नमेंट की या हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चाहिए। हाँ, इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में सत्ता पाने के लिए सब लोग, सारी पार्टीज झगड़ती हैं, लेकिन जब एक बार गवर्नमेंट सेटअप हो जाती है तो वो सेटअप हो जाने के बाद कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करता है। सब मानते हैं कि हमको जो एरिया मिला है उसमें हमको रूल करना है, और यही पावर शेयरिंग का उसूल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, है ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो एक तरफ तो क्या है कि सब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं कि ठीक है, हम जिस एरिया में रूल कर रहे हैं वो हमारा एरिया है, जिस एरिया में हमें रूल नहीं कर रहे हैं वो हमारा एरिया नहीं है। सो दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। अब यहाँ पे एक एग्रीमेंट ही तो चल रहा है ना सारे स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वरना हम हाथापाई ना करें कि हमको ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, पर ऐसी हाथापाई हम कर नहीं रहे। हमें पता है क्योंकि एक ट्रस्ट है ये हर किसी स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि जिस एरिया में तुम रूल कर रहे हो उस एरिया में हम रूल नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन इलेक्शंस कम हर पार्टी अपनी सत्ता को लेना चाहती है एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आप पॉइंट डालोगे कि म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म टू प्रैक्टिस। तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फेडरलिज्म
तभी एक्सरसाइज हो पाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स आपको बोले हैं ये आपको पेज नंबर 15 में मिल जाएंगे, पेज नंबर 15 में जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है वहाँ पे। अब ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉर्म्स ऑफ पावर, फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म या टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पे एक है, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की एग्जांपल्स लिख लो। सबसे पहले यूएसए, United States of America, Switzerland, and Australia. Holding together federation का example याद करना है तो CBI याद कर लो, S से Spain, B से Belgium, I से India. कमिंग टुगेदर फेडरेशन दैट मीन्स डिफरेंट छोटी छोटी कंट्रीज हैं एक कॉन्टिनेंट में, ये सोचती हैं कि हम बहुत छोटे हैं एंड हम छोटे हैं सजे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो जैसे छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ देना, वैसे ही यहाँ पर इन छोटी छोटी कंट्रीज़ को अकेला नहीं छोड़ते, कहते हैं कि इन सबको साथ ले आओ। तो ये सब कंट्रीज़ मिल करके एक बड़ी कंट्री बना देती हैं, दे मेक अ बिग कंट्री। अभी ये जो बड़ी कंट्री है इसके दो फायदे हैं कि एक तो इनकी सेफ्टी बढ़ती है, अब जितनी बड़ी कंट्री होगी उतने ज़्यादा सेफ्टी बढ़ेगी, एक यूजुअल सी एक बहुत सिंपल सी बात है। एंड दूसरी चीज़ जो इनकी बढ़ती है दैट इज़ सोवेरेनिटी। सोवेरनिटी का क्या मतलब है, एक तो सेफ्टी बढ़ी और एक सोवेरनिटी बढ़ी, दैट मीन्स पावर बढ़ी। सेफ्टी बढ़ी और पावर बढ़ी, तो ये दो चीज़ें होती हैं जब आप कमिंग टुगेदर फेडरेशन करते हो। सो इससे क्या होता है, एक बार मैं बोल देती हूँ कि इसमें क्या होता है, सारी छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं वो एक बिगर यूनिट बनाते हैं, तो उससे ये सोवेरनिटी बढ़ा देते हैं, अपनी सोवेरनिटी यानी कि अपनी पावर बढ़ा लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी भी इनकी बढ़ जाती है। इस तरह से इसके एग्जांपल्स आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब इस तरह के कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हर जो स्टेट होती है, ये कंट्री है इसमें डिफरेंट स्टेट्स होंगी, ये सभी स्टेट्स क्या एक्सरसाइज करती हैं, इक्वल पावर्स एक्सरसाइज करती है। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स, मैं इसको CGP लिख रही हूँ, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इज इक्वल टू SGP दैट इज स्टेट गवर्नमेंट पावर। हर स्टेट के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके बराबर ही पावर होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर PM मोदी हमारे हैं और मान लो हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो, तो PM मोदी की जितनी पावर है उतनी ही पावर गहलोत की होगी, उतनी ही पावर स्टेट गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और इंडिया में ये है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इंडिया में रहते हैं और हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज होती है, मतलब डिफरेंट कंट्री नहीं, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और ये डिफरेंट स्टेट से कंट्री बनाती हैं। कंट्री बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो हाईएस्ट पावर एक्सरसाइज करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये डिफरेंट पावर एक्सरसाइज करती है। दैट मींस ये नहीं कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है वैसी सारी की सारी सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावर्स एक्सरसाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और कुछ जो स्टेट्स होती हैं हमारे, जैसे यहाँ पे इंडिया में है जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल स्टेट्स होती हैं जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका सीधे अधिकार होता है, उन वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कई बार ऐसा होता है, कई स्टेट्स
जो स्पेशल स्टेट्स होती हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या जो भी सारे यूटीज़ हैं यूनियन टेरिटरीज, सो यूनियन टेरिटरीज आर नॉट अंडर द सेंट्रल, आर नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती है, और यहाँ पे इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं बिकॉज दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. ठीक है, कुछ स्टेट्स स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज करती है तो कुछ स्टेट्स नॉर्मल पावर एक्सरसाइज करती हैं. तो होल्डिंग टुगेदर पावर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं देन द स्टेट्स. यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल पावर्स होती हैं, और कुछ जो यूनिट्स हैं या आप कुछ स्टेट कह सकते हो वो कुछ स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज करती हैं. तो वीडियो कितने मिनट्स का हो गया, आई हैव टू लुक ऑन दैट ऑल्सो. यस, तो यहाँ पे आज मैं पार्ट वन यहीं तक करवाऊंगी, कल हम करेंगे पार्ट टू. तो पार्ट टू हम जो करेंगे उसमें हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट आई थिंक हो जाएगा, वरना थोड़ा सा और बचेगा. तो थ्री पार्ट्स में ये चैप्टर हमारा हो जाएगा. थैंक यू.